हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप लोग? मैं आपके सामने कुछ वाक्य बोलने जा रही हूं, ठीक है? और आप मुझे बताएंगे कि उस वाक्य का भाव कैसा है। पहला वाक्य, मालिक ने नौकर से कहा, एक ग्लास पानी लाओ। ठीक है, मेरा वाक्य आपको समझ में आया? एक आदमी या मालिक कहिए, उसने नौकर से कहा एक ग्लास पानी लाओ। दूसरा वाक्य, एक भाई ने अपनी बहन से कहा, एक लड़के ने अपनी बहन से कहा एक ग्लास पानी लाओ। एक छोटे से बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा, कृपया मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। तीनों वाक्यों में कुछ अंतर लग रहा है आपको? पहले वाक्य में एक आदमी अपने नौकर को आदेश दे रहा है, ठीक है? कैसे आदेश दे रहा है, आइए देखते हैं। द मैन सेड टू हिज सर्वेंट, The man said to his servant, क्या कह रहा है? Bring a glass of water. ठीक है? The man said to his servant, bring a glass of water. दूसरा वाक्य मैंने कहा, एक लड़के ने अपनी बहन से कहा, ठीक है? थोड़ा नीचे लिखते हैं, द बॉय सेड टू हिज सिस्टर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर, यहां इन्वर्टेड कॉमा, यहां पे भी इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तीसरा वाक्य मैंने बताया, एक बच्चे ने अपनी मां से कहा, द बॉय सेड टू हिज मदर, प्लीज Give me a glass of water. क्या मतलब लग रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है तीनों वाक्यों में अंतर? पहले वाक्य में आदेश है, क्योंकि ये आदमी अपने नौकर से कह रहा है, bring a glass of water, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ। ठीक है, अब जब इस तरह के वाक्य जिसमें आदेश हो और जिसमें सब्जेक्ट कुछ ना हो, जैसे यहां पे सीधा वर्ब आया है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर, जब आप किसी से बोलते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर, उसका मतलब होता है यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर, तुम एक ग्लास पानी लेकर आओ। यू कहा नहीं है, यू अंडरस्टूड है। इस तरह के वाक्यों को हम बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य या इंपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस के नरेशन चेंज में आपको ध्यान ये रखना है कि उस वाक्य में आदेश का भाव है या बड़ी शालीनता से, बहुत साधारण तरीके से, सामान्य तरीके से कोई चीज मांगी गई है या कोई काम करने को कहा गया है, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट है, जैसे कि ये प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वॉटर। तो इस तरह के वाक्यों को जब हमको बदलना होता है इनका नरेशन, आप इनको देख के समझ गए कि ये सारे सेंटेंसेस कौन से नरेशन में लिखे गए हैं, या हम उसे स्पीच भी बोलते हैं, कौन सी स्पीच में है? आपको पता है डायरेक्ट स्पीच में है। इन
डायरेक्ट स्पीच के वाक्यों को हमको बदलना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में। आइए चलिए चेंज करते हैं, द मैन, ये आपको क्लियर हो गया कि मैन जो है सेड टू हिज सर्वेंट, यानी वो आदेश दे रहा है। हम इस सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर लेंगे, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब हमको ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के हिस्से को मिलाना है, जॉइन करना है, और क्या नरेशन बनाना है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो इसके लिए इंपरेटिव सेंटेंसेस में जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं वो है टू। क्या यूज कर रहे हैं हम, टू, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर। आदमी ने अपने नौकर से एक ग्लास पानी लाने के लिए कहा। यहां पे हम कंजंक्शन दैट नहीं लगा रहे बेटा, क्या लगा रहे हैं, टू। अब इसको बनाइए, द बॉय सेड टू हिज सिस्टर, लड़का अपनी बहन से बोल रहा है। तो हम ऐसा बोलते हैं क्या कि भाई ने बहन को आदेशित किया, ऐसा नहीं बोलते। हम कैसे बोलते हैं, भाई ने बहन से कहा, आस्क्ड, द बॉय आस्क्ड। जब आप आस्क लगाएंगे तो आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। देखते जाइए कौन सी चीज किस में बदल रही है, द बॉय आस्क्ड हिज सिस्टर, ठीक है, बिल्कुल वही कंजंक्शन जो टू आपने लगाया है, ये टू आ जाएगा, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर। समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब लास्ट सेंटेंस में देखिए, द बॉय सेड टू हिज मदर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वॉटर। यहां पे प्लीज लगा हुआ है, प्लीज लगा है मतलब इसमें कौन सा भाव आ रहा है, इसमें आ रहा है रिक्वेस्ट का भाव, प्रार्थना का भाव। तो जब रिक्वेस्ट का भाव आएगा तो हम यहां पे, जैसे आपने यहां आस्क किया, यहां ऑर्डर्ड किया, यहां जो सेट टू है ये चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। कैसे, आइए देखते हैं, द बॉय रिक्वेस्टेड His mother, the boy requested his mother to please, अब दोबारा लगाने की जरूरत है क्या, आप तो यहां requested लिख रहे हैं already, तो आपको please लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा, to give me की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ये लड़का है, him, to give him a glass of वॉटर। क्या सीखा आपने इन तीनों सेंटेंसेस से, पहले में जहां पे ऑर्डर का भाव था, जहां पर आदेश का भाव था, आपने देखा द मैन सेड टू हिज सर्वेंट, मेरे साथ पढ़िएगा, द मैन सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर, एक गिलास पानी लेकर आओ। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो किस तरह से हो जाएगा, द मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर। सेकेंड सेंटेंस पे आपने देखा कि लड़का जो है वो अपनी बहन से बोल रहा है, द बॉय सेड टू हिज सिस्टर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर। अब यहां पे ऑर्डर्ड लिखना तो गलत है भाई, एक लड़का अपनी बहन से बोल रहा है, आपको सिंपली वहां क्या लिखना है, आस्क लिखना है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, The boy asked his sister to bring a glass of water. इसके बाद आपने देखा कि लड़का अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहा है, Please give me a glass of water. कृपया मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। तो आपको यहां please रिपीट करने की जरूरत नहीं है दोबारा, आप इस set to को requested में चेंज कर दीजिए, The boy requested his mother to give him a glass of water. आया समझ में अच्छी तरह से, आइए इस पे कुछ और
सेंटेंसेस करते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आए। जैसे टीचर आपको क्लास में अक्सर ढेर सारे कमांड्स देती हैं, ओपन योर बुक्स, डोंट मेक अ नॉइज, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, ब्रिंग आउट योर नोट्स, कुछ इस तरह के आपको लगातार इंस्ट्रक्शंस या सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं। ये सारे सेंटेंसेस चूंकि शिक्षक आपसे कह रहे हैं, टीचर आपसे कह रहे हैं, तो आप इनको ऑर्डर्ड में भी लिख सकते हैं, आस्क में भी लिख सकते हैं। लेकिन जहां भाई बहन या जहां पे बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग आपको कोई कमांड नहीं दे रहा है, तो सिंपली आप वहां पे आस्क का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताती हूं। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने विद्यार्थियों से कहा, ओपन योर बुक्स। ठीक है, इसी तरह से मदर सेड टू हिज डॉटर, सेड टू हर, सॉरी, मदर सेड टू हर डॉटर, वॉटर द प्लांट्स। ठीक है, इसी तरह से आई सेड टू माय सिस्टर, प्लीज हेल्प मी। अब देखते हैं इन सेंटेंसेस को हम कैसे बदलेंगे। पहले में है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स। यहां पे आदेश कहा जा सकता है क्योंकि शिक्षिका है या शिक्षक है, वो बच्चों को बोल रहा है या बोल रही है कि किताबें खोलिए, अपनी किताबें ओपन कीजिए। तो यहां पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, द टीचर आस्क्ड या ऑर्डर्ड, दोनों सही है। ठीक है, द टीचर आस्क्ड या ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स मैंने आपको कंजंक्शन क्या बताया बेटा, टू ओपन योर बुक्स आएगा क्या? टीचर ने विद्यार्थियों से कहा अपनी किताबें खोलो। इनडायरेक्ट में बोलेंगे टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि उनकी किताबें वे खोलें, है ना, टू ओपन देयर बुक्स। इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका वाक्य जो है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। उनकी किताबें, जब तुम अपनी किताबें खोलो, हम इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं, तो उन योर की जगह क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। इसी तरह से मदर सेड टू हर डॉटर व्हाट आर द प्लांट्स, किस तरह से बनाएंगे आइए देखते हैं। मदर आस्क, अब यह ऑर्डर्ड मत कीजिए, खराब लगेगा, मां आदेशित नहीं करती, मां सिर्फ कहती है, है ना। मदर आस्क्ड हर डॉटर टू वॉटर द प्लांट्स, टू वॉटर द प्लांट्स, पौधों में पानी डालो। नेक्स्ट वन देखिए, आई सेड टू माई सिस्टर प्लीज हेल्प मी, मैंने अपनी बहन से कहा कृपया मेरी मदद करो, किस तरह से बोलेंगे, आई रिक्वेस्टेड माई सिस्टर टू हेल्प। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन ही बोल रहा है, आई, मैं अपनी बहन से कह रही हूं मेरी मदद करो, तो मैंने अपनी बहन से कहा कि वो मेरी मदद करे, तो बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा, आई रिक्वेस्ट माई सिस्टर टू हेल्प मी।
समझ में आया आपको? ध्यान इस बात का आपको रखना है कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है। समझ रहे हैं अच्छी तरह से? चलिए आइए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे एक है मिसेस खान। मिसेस खान, आप उनसे नहीं मिले हैं, मैं अभी मिलवाती हूं आपको उनसे। मिसेस खान का बेटा है जफर, और मिसेस खान ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं अपने बेटे के लिए। वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई हैं, जफर घर में अकेला है, और उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं जफर को, ये काम तुम्हें करना है, क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। आइए उनके इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। मिसेस खान ने जफर के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इंस्ट्रक्शंस टू जफर बाय मिसेस खान। इंस्ट्रक्शन एक है, पहला, कीप योर रूम क्लीन। अपना रूम साफ रखना। दूसरा, वेक अप अर्ली, जल्दी सो के उठना। यूज किचन ओनली फॉर कुकिंग। किचन का इस्तेमाल सिर्फ खाना पकाने के लिए करना। तीसरा, चौथा, यूज वॉशिंग मशीन। टू, वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए करना। और डोंट बी लेट फॉर स्कूल, स्कूल देर से मत जाना। ठीक है, और बताया, ओबे योर टीचर्स। अपने टीचर्स का कहना मानना। डोंट फाइट विथ एनीवन, किसी से लड़ाई मत करना। ठीक है, ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए मिसेस खान ने अपने बेटे जफर को। अब हमको इनको डायरेक्ट स्पीच में भी लिखना है और इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिखना है। हम यहां पे ऑर्डर्ड ना करके सिंपली आस्क्ड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आइए इन सारे वाक्यों को हम चेंज करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। मिसेस खान सेड टू जफर, क्या कहा उन्होंने पहला वाक्य? कीप योर रूम क्लीन। कीप योर रूम क्लीन, अपना रूम साफ रखो। ठीक है, किस तरह से बनाएंगे इसको? मिसेस खान आस जफर टू कीप हिज रूम, योर की जगह हिज, उसका कमरा, हिज रूम क्लीन। ठीक है, इसी तरह से मिसेस खान सेड टू जफर वेक अप अर्ली, जल्दी उठना। वेक अप अर्ली,
चलिए बनाइए, बहुत सरल है। कैसे होगा? मिसेस खान आज सफर टू वेक अप अर्ली इसी तरह से मिसेस खान सेड टू जफर यूज किचन ओनली फॉर कुकिंग यूज किचन ओनली फॉर कुकिंग हाँ कैसे बनेगा मिसेस खान आज सफर टू यूज किचन ओनली फॉर कुकिंग नेक्स्ट Use washing machines. Use washing machine to wash clothes. Mrs. Khan said to Zafar, use washing machine to wash clothes. कैसे बनाएंगे इसको मिसेस खान आज सफर टू यूज वॉशिंग मशीन टू Wash clothes. ठीक है अब कुछ और भी सेंटेंसेस हैं आइए देखते हैं इस साइड आपको ये तो हम लोगों ने यहां चार तक कर लिया अब कुछ और इंस्ट्रक्शंस मम्मी की तरफ से बेटे को अगला इंस्ट्रक्शन है डोंट बी लेट फॉर स्कूल ठीक है मिसेस खान सेड टू जफर डोंट बी लेट फॉर स्कूल और इधर से लिखती हूं नहीं तो आपको लिखने में प्रॉब्लम जाएगी Don't be late for school. ठीक है कैसे बनाएंगे इसको मिसेस खान आज सफर अब देखिए बेटा यहां आ गया डोंट हम अभी तक टू लगा रहे थे जब डोंट आएगा आप लगाएंगे नॉट टू ठीक है टू की जगह क्या लगाएंगे नॉट टू फिर आपको ये डोंट लिखने की जरूरत नहीं है नॉट टू बी लेट फॉर स्कूल ठीक है नेक्स्ट वन ओबे योर टीचर्स मिसेस खान Said to Zafar, obey your teachers, अपने शिक्षकों का कहना मानना ठीक है कैसे बोलेंगे इसको
मिसेस खान, आस्क जफर टू ओबे हिज टीचर्स. ठीक है. लास्ट है डोंट फाइट विथ एनीवन, किसी से झगड़ा नहीं करना. चलिए इसको भी बनाते हैं. मिसेस खान सेड टू जफर, डोंट फाइट विथ एनीवन. Don't fight with anyone. Mrs. Khan asked Zafar not to fight with anyone. Not to fight with anyone. इस तरह से आपने सारे जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया. आइए एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लेट्स डू इट और लेट्स स्पीक पे जाएंगे. मिसेस खान सेड टू जफर, मिसेस खान सेड टू जफर कीप योर रूम क्लीन. मिसेस खान आस्क्ड जफर to keep his room clean. Your room, his room, उसका कमरा. Mrs. Khan said to Zafar, wake up early. ये A है ना, आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Can you see it properly? ये A है, बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए आपको. ये A, ठीक है. Mrs. Khan asked Zafar to wake up early. Mrs. Khan said to Zafar, use kitchen only for cooking. Mrs. Khan asked Zafar to use kitchen, थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, नहीं तो जगह नहीं हो रही यहाँ. To use kitchen only for cooking. ठीक है. Mrs. Khan said to Zafar, use washing machine to wash clothes. Mrs. Khan asked Zafar to use washing machine to wash clothes. Mrs. Khan said to Zafar, don't be late for school. Mrs. Khan asked Zafar not to be late for school. जहां पे don't था आपने वहां पे क्या लगा दिया? Not to लगा दिया. उसी तरह से Mrs. Khan said to Zafar, obey your teachers. Mrs. Khan asked Zafar to obey his teachers. ऐसा अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ. Mrs. Khan said to Zafar, ठीक है. मिसेस खान सेड टू जफर डोंट फाइट विथ एनीवन, किसी से लड़ाई मत करना. मिसेस खान आस्क्ड जफर नॉट टू फाइट विथ एनीवन. तो ये इस तरीके से आपको चेंज करना है. तीन चीजें बिल्कुल ध्यान में रखेंगे. पहली बात, भाव कौन सा है? आदेश का भाव आ रहा है तो ऑर्डर्ड सबसे सेफ है. आस्क्ड यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. आस्क्ड सबके साथ चलेगा. जहां पे प्लीज है वहां रिक्वेस्ट यूज करना है. कोई काम करने कहा जा रहा है तो टू यूज करेंगे. कोई काम नहीं करने कहा जा रहा है, डोंट या नेवर वाली बात आ रही है तो आप नॉट टू यूज करेंगे. समझ में आ गया? चलिए आइए अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, देखते हैं आपने कितना समझा है. आपको एक्सरसाइज में हम कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं, इसको इसका इनडायरेक्ट नरेशन आपको बनाना है. फर्स्ट वन है, द टीचर सेड ओपन योर बुक्स. बनेगा आपसे द टीचर आस्क्ड to open their books. Father said, fill the tank with water. The gardener said, don't pluck flowers. So don't ki jagah aap kya use karenge? Not to. The policeman said, cross the road at the zebra crossing. The gentleman said to Ramesh, keep your city clean. Theek hai? Jaldi se kijiye. इसके बाद हम करेंगे लेट्स स्पीक वाले पे आते हैं. इसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको आपके टीचर देते हैं कक्षा में.
मैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही हूँ, आपको उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में बोलना है. राइट योर नेम ऑन द बोर्ड, कम हियर, ब्रिंग योर नोटबुक हियर, प्लीज गिव मी योर पेन, स्टैंड अप ऑन द बेंच, प्लीज टेक योर सीट, क्लीन द बोर्ड, कॉल हिम हियर एंड डोंट बी लेट. ठीक है, यहां पे हियर हियर हियर, इसका आपको ध्यान रखना है. जैसे ये सेकेंड सेंटेंस है बेटा, इसको एक बार मैं आपको बता देती हूं. कम हियर, द टीचर सेड कम हियर. कैसे बनाएंगे? द टीचर आस्क्ड टू कम हियर. जो है ये गो देयर में चेंज होगा बेटा, यहां पे जो कम है वो गो में बदलेगा. आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए. द टीचर सेड कम हियर, द टीचर आस्क्ड टू गो, और हियर का देयर होता है आपको मालूम है, टू गो देयर. इसी तरह से जितने यहां हियर वाले सेंटेंसेस देखिए, क्लीन, कॉल हिम हियर, आठवां सेंटेंस, कॉल हिम हियर, द टीचर आस्क्ड टू कॉल हिम देयर. हियर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? देयर में. इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, तो प्लीज आप इसको ध्यान कीजिएगा. और जो हियर है वो देयर में चेंज होता है, यहां का कम भी गो में चेंज होगा, इसको ध्यान दीजिएगा. इसके साथ ही बाकी वाक्य तो आप कर चुके हैं, बड़ी आसानी से बनेगा. जो प्लीज वाले सेंटेंस है उसके सामने रिक्वेस्ट लगेगी, रिक्वेस्टेड आप रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे. जो डोंट वाले सेंटेंस है, वैसे मेरे ख्याल से इसमें डोंट वाला सेंटेंस हमने स्पीक में नहीं दिया है, डोंट बी लेट, है ना, वहां पे आप नॉट टू यूज करेंगे. तो इसको बनाइए, बोलिए, और सारे बच्चे इसको बोलेंगे जब तक ये एक बोलने वाला काम खत्म नहीं होगा. आपको डायरेक्ट में भी बोलना है द टीचर सेड के साथ, और फिर इनडायरेक्ट में भी. जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आपकी क्लास खत्म नहीं होगी. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.